नमस्कार दोस्तों, क्रेडिट इंडिया की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये है मेरे हाथ में रिगालिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड। आप बोलोगे रिगालिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड की तो वीडियो हम देख चुके हैं पहले। जी हाँ, रिगालिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड की वीडियो मैंने बनाई थी, अनबॉक्सिंग वीडियो। उसके बाद में मुझे इंस्टाग्राम पे काफी मैसेज आ रहे हैं कि आप इसके रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करके दिखाएं और इसमें जो फ्लाइट वाउचर मिलता है वो भी रिडीम करके दिखाएं। इसके अलावा किसी ने बोला है 1500 रुपए का वाउचर कैसे ले सकते हैं, किसी ने बोला है इसमें ब्रांड वाउचर कैसे ले सकते हैं रिवॉर्ड पॉइंट के, फ्लाइट टिकट बुक कैसे कर सकते हैं। तो सारे सवालों के जवाब इस एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हाँ, और एक बात, जिसने ये क्रेडिट कार्ड ले लिया है और उसको फ्लाइट का वाउचर मिल गया है पहला और उसका रिडीम नहीं हो रहा है क्योंकि पिन नहीं आता है वाउचर में और रिडीम नहीं हो रहा है, तो कैसे आपको रिडीम करना है इसके बारे में भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद दूसरी वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं है। आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद में आपको पता ही चल जाएगा कैसे आप इससे बेस्ट वैल्यू में रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल में। गूगल में आने के बाद में यहाँ पे लिखना स्मार्ट बाय रिगालिया गोल्ड, दूसरी ही वेबसाइट मिल जाएगी आपको। ये देखिए रिगालिया गोल्ड स्मार्ट बाय की, इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये रिगालिया गोल्ड की अपनी वेबसाइट है। राइट साइड में आपको लॉगिन और साइन अप दिख रहा होगा, यहाँ इस पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप वही डालें जो आपके कार्ड के साथ लिंक है, तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और उसके बाद में कंटिन्यू कर देता हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड तो आपके पास होगा ही नहीं, अगर आपने बना के रखा है पहले से तो पासवर्ड डाल दीजिए, और अगर नहीं है तो सबसे आसान तरीका है नीचे की तरफ लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं लॉगिन विद ओटीपी, इसको क्लिक करना है। आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और आपको आपका अपना डैशबोर्ड दिखाई देगा जहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल्स होगी। आपका कार्ड का नंबर क्या है, कितने रिवॉर्ड पॉइंट है, मेरे केस में मेरे 23,651 है। राइट साइड में देखेंगे यहाँ पे भी आपको अपने रिवॉर्ड पॉइंट दिखेंगे, इसके ऊपर आपको अपना नाम दिखेगा। इसमें कुछ सेक्शन बने हुए हैं जैसे ट्रेवल एंड स्टे, रिगालिया गोल्ड बेनिफिट, रिवॉर्ड, माइल्स ट्रांसफर, शॉपिंग, डील्स। ट्रेवल एंड स्टे में जाएंगे तो आप यहां से फ्लाइट बुक कर सकते हैं, रूम बुक कर सकते हैं, कार रेंट पे ले सकते हैं, ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं, बस का टिकट भी बुक कर सकते हैं। इसके आगे वाले कॉलम में लिखा हुआ है माइलस्टोन बेनिफिट, नाउ योर कार्ड, ट्रेवल बेनिफिट, एक्सक्लूसिव कैटलॉग। तो एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। माइलस्टोन बेनिफिट को जब आप क्लिक करेंगे तो सारा का सारा बेनिफिट यहीं पे। इसको क्लिक करने के बाद आपको फिर से अपने कार्ड की डिटेल देनी पड़ेगी, और अगर आप पहले से लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ ओटीपी मांगेगा और ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देगी। ये आप देख सकते हैं ये सारे बेनिफिट आ गए हैं। वेलकम टू रिगालिया गोल्ड प्रीमियम मेल, ये वाला पहला सेक्शन जो लॉक है मुझे अभी लॉक दिखा रहा है। यू हैव ऑलरेडी अवेल दिस बेनिफिट, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं ये पहले से ले चुका हूँ। जब आप पहली बार लॉगिन करोगे तो इसमें यहाँ पे ये लॉक अनलॉक मिलेगा, जैसे ये वाला अनलॉक दिख रहा है ना आपको, ये वाला भी अनलॉक मिलेगा। इसको क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप विस्तारा का और MMT ब्लैक का मेंबरशिप ले लेंगे। उसके अलावा अगर आपको 1500 रुपए का वाउचर भी दिखेगा वहाँ पे, वो भी अवेल कर लेंगे। इसके अलावा प्रीमियम ट्रेवल बेनिफिट है, पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस मिल जाती है एयरपोर्ट पे। यहाँ पे आप अपना टिकट का नंबर डालेंगे, टिकट बुकिंग आईडी डालेंगे और चेक अवेलेबिलिटी क्लिक करेंगे। अगर आपके सिटी में अवेलेबल होगा तो आसानी से आप ये भी बुक कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव गोल्ड कैटलॉग है। इसके अलावा एनुअल बेनिफिट ये है, जो 5000 रुपए का जो वाउचर मिलता है ना, वो एनुअल बेनिफिट फेस वन, ये मैं ऑलरेडी अवेल कर चुका हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी अवेल लिखा हुआ है। और सेकंड बेनिफिट का भी एक सेक्शन है, आप नीचे की तरफ आगे फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड बेनिफिट, मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने अभी 74% कंप्लीट कर लिया है। ट्रैक बेनिफिट में जाता हूँ, ये देख सकते हैं मैं 1 अक्टूबर से दिसंबर वाला अवेल कर चुका हूँ। मुझे कार्ड मिला था सितंबर में, मैंने कुछ स्पेंड नहीं किया था इस क्रेडिट कार्ड से, अक्टूबर के बाद किया था और 1500 रुपए का वाउचर मुझे मिल गया। इसके अलावा ट्रेवल बेनिफिट और एक्सक्लूसिव कैटलॉग में आपको क्या क्या दिखते हैं यहाँ से देखिए। ये कैटलॉग रिगालिया गोल्ड की स्पेशली खुद की कैटलॉग है। यहाँ पे आप कोई सा भी ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हैं। अमेजोन पे क्लिक करेंगे तो अमेजोन के 14,280 रिवॉर्ड पॉइंट में 5000 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, यानी 35 पैसे की वैल्यू मिल जाती है आपको और तुरंत ही 5 मिनट में आपकी ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे रिसीव हो जाता है। अमेजोन के और बहुत सारे वाउचर हैं, 1000 वाला भी ले सकते हैं, 500 वाला भी ले सकते हैं, 2000 वाला भी ले सकते हैं। एप्पल का उन्होंने अलग से कॉलम दिया हुआ है, ये देख सकते हैं ऑल थिंग्स एप्पल, इसको क्लिक करेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे चीजें। ये आप देख सकते हैं 9,970 में आप एयरटैग ले सकते हैं, 21,420 पॉइंट में आप मैजिक माउस ले सकते हैं, एयरटैग ले सकते हैं 4 का सेट पूरा, और सेकंड जनरेशन पेंसिल भी ले सकते हैं, आईफोन 13 भी है 92,150, ये काफी अच्छी वैल्यू में मिल जाता है। इसके अलावा माइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं आप,
सब एयरलाइंस कंपनी, और इनके नीचे ही लिखा हुआ है कि आपको कौन सी एयरलाइंस में कितने की वैल्यू मिलेगी। ये देखिए, एयर कनाडा में आपको 33 पैसा की मिलेगी, एयर एशिया में आपको 50 पैसा की मिलेगी। कैश में भी रिडीम कर सकते हैं। ये देखिए, 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स के बदले 500 रुपए मिल जाएंगे कैश, यानी 20 पैसे की वैल्यू मिल जा रही है। तो कैश में तो ना ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। और जब आपके पास फ्लाइट का वाउचर का कोड आ जाता है तो उसको कैसे रिडीम कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए विस्तारा दिख रही है आपको 5520 रुपए। सबसे ऊपर वाली कम है सबसे, तो हम इसको बुक करते हैं। 6 स्टॉप है। पहला है फ्लाइट डिटेल्स, ट्रेवल डिटेल, बैगेज, सीटेड मील, रिव्यू बुकिंग। कंटिन्यू करोगे तो ट्रेवल्स डिटेल्स पे आ जाओगे। तो यहाँ पे अगर आपका नाम ऐड होगा पहले से तो टिक करना है और कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाना है। जब ये रिव्यू बुकिंग आएगा ना, यहाँ पे आपको कोड रिडीम करना है। यहाँ पे आप कोड डालोगे तो और अप्लाई कर दोगे तो यहीं से माइनस हो जाएंगे 5000 रुपीज। अगर आप यहाँ पे कोड नहीं डालते और कंटिन्यू कर देते हैं तो आगे भी एक ऑप्शन आता है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने का ऑप्शन है यहाँ पे, और अप्लाई वाउचर का भी ऑप्शन आता है। तो अप्लाई वाउचर, यहाँ पे कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, वाउचर कोड यहाँ पे दिया हुआ है। अगर यहाँ पे वाउचर कोड डाल के आप इसको अप्लाई करोगे तो यहाँ से अप्लाई नहीं होगा। मेरा टिकट का जो बेस फेयर था वो 7905 रुपीज़ था, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो फी लगी इसके ऊपर 1364 रुपए की लगी। डिस्काउंट जो मेरे को मिला वो 5000 का मिला। 310 रुपए की अलग से फी लगी। जो पे करने थे मेरे को 4579 और 3205 रुपए के मैंने रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करे, ये आप देख सकते हैं। वाउचर भी क्लेम कर सकते हो और उसके साथ रिवॉर्ड पॉइंट भी रिडीम कर सकते हो। तो फाइनल अमाउंट जो मेरा बना वो 1374 बना। दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।